नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू अनदर एनलाइटमेंट एपिसोड ऑफ चाय पे चर्चा, अ यूट्यूब शो कॉल ऑन पॉडकास्ट बाय खुशबू से। और आप सभी का स्वागत है इस शो पे। हर हफ्ते हम कुछ मीनिंगफुल टॉक लेके आते हैं, कुछ कन्वर्जेशंस लेके आते हैं, लेकिन इस बार का कन्वर्जेशन है रिलेटेड टू द हेल्थ, बिकॉज हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हम फिट है तो लाइफ अपनी हिट है। और इसी टॉपिक के लिए हमारे साथ आज गेस्ट जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर योगेश भालेराव जी। और वो ना ही एक डॉक्टर है बट ऑल्सो अ सोशल वर्कर, जिन्होंने बहुत सोशल वर्क किए है लोगों के लिए, हेल्थ केयर के रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। एंड ही हैड ऑल्सो स्टैंड एट द मेनी प्रोटेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए हुए। तो आइए चलते हैं हम उन्हें वेलकम करने और उनके साथ बहुत कुछ जानकारी जानते हैं हेल्थ केयर के रिलेटेड। तो योगेश जी, आपका वेलकम है हमारे शो पे चाय पे चर्चा पे। नमस्कार। सो हम ये पूछना चाहते हैं आपको कि एज बीइंग अ प्रोफेशन डॉक्टर हो आप, तो आप सोशल वर्क कैसे आपने शुरू किया लोगों की भलाई के लिए, रिलेटेड टू द हेल्थ केयर डिपार्टमेंट? सो आपकी ये जर्नी किस हिसाब से शुरू हुई? एक्चुअली इफ यू सी, हां, आई डोंट वांटेड टू बी अ डॉक्टर। एक्चुअली आई वाज मच इंटरेस्टेड इन लॉ, सोशल वर्क एंड पॉलिटिकल फील्ड। ओके। माय फादर, ही वाज आल्सो रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। हां, फ्रॉम हिम ओनली आई गॉट द इंस्पिरेशन। हां, and after that when I gone to for my degree, ha, and I have done my BMS from Bharati Vidyapeeth, College of Ayurveda. Ha, right. When I gone to that college, ha, I saw the chancellor of the university, Dr. Patangrao Kadam sir, ha, who served for his constituency, for his village people. Okay. And he worked for the health, education, employment and cooperative field for his villages. Ha. And ऐसा देखा जाए तो उन्होंने बहुत से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। तो उस चीज से मैं इतना इंस्पायर हो गया कि मुझे अगर कुछ होना है तो ऐसा एक नोबल पर्सन होना है। तो जब मैंने देखा कि ग्राउंड लेवल पे जब लोगों को किस तरह से दिक्कतें आती है हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सर्विसेज पाने के लिए इन BMC हॉस्पिटल और आइदर इन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पे लोगों को देर देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जहाँ पे एक डॉक्टर के ऊपर इतना 200 300 400 पेशेंट्स का लोड होता है। तो ये लोड कैसा कम किया जाए, मतलब डॉक्टर्स का भी प्रेशर कैसा कम किया जाए और पेशेंट्स का भी समय कैसा, उस समय बचाया जाए। तो इस चीज से मैंने पहले शुरुआत किया। और उस बीच में 2020 इस दौरान कोविड का पैंडेमिक सिचुएशन आया। उस पैंडेमिक सिचुएशन में अपना हेल्थ सिस्टम इंडिया का कितना पीछे है, वो चीजें मुझे समझ में आई। जहाँ पे अपने जैसे कंट्री में, जहाँ पे मुंबई की बात की जाए तो लगभग 2 से लेकर 3 करोड़ पॉपुलेशन है, और इस बीच में लैक ऑफ फैसिलिटीज इतनी है कि लोगों को लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ बेड्स, लैक ऑफ एनी अदर मेडिकल फैसिलिटीज। तो इस चीज में मैं कैसे कुछ सुधार कर सकता हूँ। आपने ये चीज के लिए आगे आप बढ़ते गए, और यू नो जैसे ही आपको लगा कि यू नो लोगों की भलाई करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो भी स्पेशली हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है कैसे है कि कैसे है कहते हैं कि वेलफेयर के लिए रहता है, ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, और ये निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि जैसे आपने बताया कि कोविड में यू नो के एम्बुलेंस थे, बहुत सारी फैसिलिटीज लैक थी यू नो अपने गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट डेमोक्रेसी में, सो कौन सी चीज़ें आनी चाहिए कि जिससे यू नो कि ये हेल्थ जो हमारा इश्यू है, हमारे कंट्री का इश्यू है, कौन सी चीज़ें कहाँ कमी है, आप इस टॉपिक पे हमें बता पाएंगे? मुंबई का अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ टोटल 16 सिविक हॉस्पिटल्स है, जिसके अंदर टोटल 16 सिविक हॉस्पिटल या तो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हो गए, जो कि मुंबई सबर्बन में सिचुएटेड है, और इसी के साथ जो टीचिंग हॉस्पिटल्स है, अपने पास 3 टीचिंग मेजर हॉस्पिटल्स है और 8 स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स है। तो ऐसे सब हॉस्पिटल्स में, कोई हॉस्पिटल्स में 100 बेडेड हॉस्पिटल्स है, कोई हॉस्पिटल 1200 बेडेड है, कोई हॉस्पिटल 1800 बेडेड है, पर उसके बावजूद ये हो रहा है कि लोगों को, जो मुंबई का पॉपुलेशन है, तो बेड की कहीं ना कहीं कमतरता हो ही रही है। तो ऐसे समय में अगर गवर्नमेंट ने हेल्थ सिस्टम का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप किया, डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट की,
स्टाफ की रिक्रूटमेंट की तो कहीं जाके लोगों को अच्छा फैसिलिटी मिल सकता है। और साथ ही साथ दूसरी चीज अगर देखा जाए तो जो लोग बाय रोड साइड रहते हैं उनके पास तो कोई आइडेंटिटी प्रूफ रहता नहीं है, नहीं रहता। ना आधार कार्ड ना पैन कार्ड। और उनको अगर कोई सर्जरी का जरूरत लगा, जैसे कार्डिक सर्जरी हो गई, ऑर्थो सर्जरी हो गई, इवन दे नीड इट, तो ऐसे समय में उनसे आइडेंटिटी मांगा जाता है। तो मेरा तो एक ही प्लान है जो मुझे करना है और मैं करना ही चाहता हूँ और मुझे करके दिखाना है कि कोई भी पेशेंट हो जिसको ट्रीटमेंट का जरूरत है, विदाउट आइडेंटिटी दैट पेशेंट शुड गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट एट अ प्रॉपर टाइम, सो दैट उसका लाइफ कहीं ना कहीं बच सकता है समय पे। या इट इज इम्पोर्टेंट कि किसी की जान बचानी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि उन्होंने बताया कि आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं जो वेंडर्स रहते हैं, रोड साइड रहते हैं, जिनके पास खुद का आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड नहीं रहता है, तो वो अपना इलाज कैसे करवा पाते होंगे। लेकिन द थिंग इज, हमें गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा कि यू नो कि फैसिलिटीज़ जो है, डॉक्टर फैसिलिटीज़ है, बेड फैसिलिटीज़ है, सिविक्स हॉस्पिटल्स है, वो बढ़ाने चाहिए। साथ ही साथ उनको ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बाकी कंट्रीज से ज़्यादा हमें चीज़ें लगती है। एंड हाँ, जिस टाइम पे जो समय है, किसी की लाइफ बचाने का समय होता है, तभी यू नो आइडेंटिटी कार्ड नहीं यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी एज ए डॉक्टर प्रोफेशन किसी की जान बचाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस टाइम पे कोई आइडेंटिटी कार्ड ना ला सके या किसी ने बनवाया ही ना हो, यू नो इंडिया की जो जिस हिसाब से हम कहते हैं पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से लोग रस्ते पे भी सोते हैं, तो जिनका कुछ आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं होता है। तो आपने बहुत अच्छी एक सोच रखी है, सोसाइटी के तरफ एक पॉइंट रखा गया है कि यू नो आइडेंटिटी कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड जब भी किसी की जान बचानी हो। हाँ, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे पासपोर्ट वगैरह, वो डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड हेल्थ है, तो हेल्थ के रिलेटेड हमें ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए। आपको क्या लगता है और कौन सी चीज़ें जो कहीं ना कहीं कमी होती है, तो वो दिक्कत आ रही है कि लोगों की जान बचाने के लिए, स्पेशली द लोअर कास्ट पीपल, कि वो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी और सुधार होने चाहिए? सुधार मतलब सबसे पहले जो एम्बुलेंस रहता है, एम्बुलेंस वो समय पे पहुंचती नहीं है। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उनको एक नंबर दिया गया 108 एम्बुलेंस के लिए। अगर उनको कॉल किया जाए, अगर पेशेंट आईसीयू में है तो पेशेंट को अगर समय पे अगर कोई हायर सेंटर में भेजना है, कोई एक छोटे हॉस्पिटल से हायर सेंटर में, एम्बुलेंस को आने में थोड़ा समय निकल जाता है। उस बीच पेशेंट और सीरियस हो जाता है। हाँ। और कभी कभार पेशेंट एक तो ऑन द बेड ही एक्सपायर हो जाता है या ऑन द वे एम्बुलेंस में ही एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसे समय में नंबर ऑफ एम्बुलेंस शुड बी इंक्रीज्ड एवरी हॉस्पिटल, कम से कम 10 से 12 एम्बुलेंस कंटिन्यू रनिंग में चाहिए। क्योंकि जब आप मेजर हॉस्पिटल की बात करें या हायर सेंटर की बात करें तो वहाँ पे कम से कम 800 से लेके 1500 बेड्स के एक कैपेसिटी का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होता है। तो ऐसे समय में हर एक समय में कोई भी इमरजेंसी पेशेंट आते हो, अभी आप ट्रॉमेटिक देखा जाओगे तो डे बाय डे एक्सीडेंटल केसेस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। और ऐसे समय में हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है। और अभी जब देखा जाए ये सीजन रेनी सीजन, तो ये सीजन में मलेरिया डेंगू ऐसे केसेस राइजिंग हो रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों को फीवर चिल्स ये सब चीजें बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय में उनको समय पे इलाज कभी मिलना जरूरी है। तो ये अवेयरनेस आप किस हिसाब से लोगों के बीच में रखते हो? क्या आप कुछ ये प्रोटेस्ट, मैंने सुना है आप प्रोटेस्ट के में भी रहते हो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो आप कौन से प्रोटेस्ट के बारे में हमें बताना चाहते हो कि जिससे यू नो आपको लगे कि यू नो लोगों को जानना इम्पोर्टेंट है, व्यूअर को जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्थ के रिलेटेड है और सभी के लिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जानना। ऐसा प्रोटेस्ट के लिए देखा जाए तो विक्रोली का जो क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फुले जनरल हॉस्पिटल है, जो कि कम से कम 2016 से ये हॉस्पिटल बंद था, तो जब भी विक्रोली के जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स है, सोशल वर्कर्स है, जब सब एक साथ आके एक ग्रुप फॉर्म किया था हम ही विक्रोलीकर करके, तो ऐसे समय में सब लोग ने मिलके उस चीज के लिए 4 डेज के लिए चेन हंगर स्ट्राइक किया था। तब जाके गवर्नमेंट ने उस चीज का जायजा लिया और तब जाके मिनिस्ट्री के कुछ लोग आए, उन्होंने तुरंत दूसरे दिन वो मीटिंग बिठा के मंत्रालय में अंडर एकनाथ शिंदे सर, तब जाके उन्होंने अप्रूव किया और उसके बाद 500 बेड का मल्टी स्पेशलिटी
हॉस्पिटल वहाँ पे अप्रूव किया गया और आज उस हॉस्पिटल का काम शुरू है. एंड द सेकंड थिंग इज इन 2020 व्हेन देयर वाज अ कोविड पैंडेमिक सिचुएशन गोइंग ऑन एट दैट टाइम आईसीयू वाज टोटली क्लोज आफ्टर प्रोटेस्टिंग फॉर दैट आईसीयू द आईसीयू वाज स्टार्टेड विद इन 15 डेज. ओके हाँ गुड. तो ये स्टैंड लेना सोसाइटी में जरूरी है और ऐसे ही लोग हमें चाहिए रहते हैं जो यू नो स्टैंड ले, लोगों के लिए स्टैंड ले, क्योंकि हर लोग बोल नहीं पाते हैं. कोई अगर स्टैंड लेके बोलेगा तो हमें साथ देना चाहिए, अगर वो अच्छे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, अच्छी चीज़ों के लिए हो. और ये जिन्होंने उन्होंने बताया कि विक्रोली, जो विक्रोली एरिया है वो मुंबई में आता है दर्शकों, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है. और आपने ये बहुत अच्छी बात हमारे व्यूअर्स को बताई है. जो अपकमिंग डॉक्टर्स रहते हैं जो ये फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि क्या उनको लाइफ में यू नो एज आप डॉक्टर भी हो एंड डूइंग वेलफेयर फॉर द पीपल आल्सो, तो आपको दोनों साइड के व्यूज पॉइंट पता है. देन डॉक्टर क्या दिक्कतें आती है और एज ए नॉर्मल पीपल जिनको कुछ बीमारी हुई है उनको एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस से वो कितनी दिक्कतें आती है, हर प्रोसेस हर स्टेप बाय स्टेप हर टेस्ट में उनको दिक्कतें आती है यू नो, क्योंकि रिपोर्ट्स सारे टेस्ट के लेट मिलते हैं. कैंसर जैसी बीमारी भी होती है जिसमें वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आपको दोनों तरफ के पहलू पता है, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अपकमिंग डॉक्टर्स के लिए? सजेशन तो अभी जैसा कैंसर की बात की गई है तो अब पूरे मुंबई में सिर्फ एक ही कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे पूरे पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं. तो ऐसे समय में नंबर ऑफ कैंसर हॉस्पिटल शुड बी इंक्रीज इन मुंबई सिटी सो दैट पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र फॉर द ट्रीटमेंट इन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल दे शुड गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट. बिकॉज द थिंग व्हाट इज द हैपनिंग रिपोर्ट्स जो किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में आने के लिए समय लगता है क्योंकि पेशेंट्स का लोड होता है. इतना लोड कवर अप करने के लिए तो नंबर ऑफ बेड्स भी उतने चाहिए, नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी उतने चाहिए. तो ऐसे समय में ये सब चीजें गवर्नमेंट ने करना जरूरी है. ओके तो ये बात सही है कि गवर्नमेंट को ये सारी फैसिलिटीज डालनी चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से सोच के करना चाहिए. क्योंकि और हमारी जो मिडिल क्लास की और लोअर मिडिल क्लास की रेशियो देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है हायर क्लास और हायर मिडिल क्लास से, तो वो रेशियो को भी हमें ध्यान रखना चाहिए. कैंसर की बात की जाए तो डे बाय डे जो कैंसर के केसेस राइज हो रहे हैं, तो ऐसे समय में अपने पूरे मुंबई में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है कि जहाँ पे लोगों का कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है. तो ऐसे समय में अगर उस हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाए या नंबर ऑफ कैंसर हॉस्पिटल्स अगर बढ़ जाए और साथ ही साथ में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ जाए तो तब जाके लोगों को अच्छे से इलाज मिल सकता है. और साथ ही साथ में जो अपकमिंग डॉक्टर्स है उनको मेरा एक बोलना है कि जब भी कोविड पैंडेमिक था तभी मोर देन 70,000 पेशेंट्स आई हैव ट्रीटेड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हु वर ट्रैवलिंग from Mumbai to the native places. I have given them medical certificate for free of cost also. अगर मुझे कमाना होता तो तभी मैं उस समय भी कमा सकता था. पर जो अपकमिंग डॉक्टर्स है मेरा उनको ही बोल एक ही बोलना है, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है इट्स नॉट अ मनी मेकिंग मशीन, इट्स अ नोबल प्रोफेशन. तो आप अपने प्रोफेशन से लॉयल रहिए और खाली लोगों का जितना हो सके आप उतना सेवा कीजिए. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर योगेश भालेराव जी, आप यहाँ हमारे शो पे आए. ये बहुत ही मीनिंगफुल कन्वर्सेशन था हेल्थ के रिलेटेड. बहुत सारी दिक्कतें आती है लोगों को यू नो प्रोसेस, पहले तो बीमारी आती है वो ऑलरेडी बहुत टूट जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फैमिली मेंबर्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसमें ये सारे प्रोसेस और बेड नहीं मिलना, यू नो फॉर्म सबमिट नहीं होना, आइडेंटिटी, तो ये सारी चीज़ें में बहुत प्रेशराइज होता है फैमिलीज को. एंड ये ज़्यादा दिक्कतें हम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में देखने को मिलती है. सो ये पॉइंट हमें गवर्नमेंट को ज़रूर रखना चाहिए. एंड आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो एंड बहुत बहुत शुक्रिया. दर्शकों आपको हमारा शो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि हम आगे आगे आपको नई नई चीज़ें नए नए एपिसोड लेके आएंगे अलग अलग गेस्ट के साथ लेके आएंगे. तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप द नोटिफिकेशन ऑन. एंड डॉक्टर योगेश जी के बारे में डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है तो आप चेक कर सकते हो. बाय, धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में.